अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहरुख गोरखपुर बर्ड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहरुख बर्ड लवर। दोस्तों आज हम आए हैं शेषनाथ भाई के घर, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने ग्रेटर सर्फल काकाटू जो है ब्रीड कराया है, तो उसकी हम प्रोग्रेस भी चेक कराएंगे और बाकी इनका मैं पूरा सेटअप का व्यू दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं शेषनाथ भाई से। ये है हमारे शेषनाथ भाई। शेषनाथ भाई नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे शेषनाथ भाई हैं, हमारे ग्रुप के ये शमसुद्दीन भाई खड़े हुए हैं, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, और हिलाल भाई भी आज आए हुए हैं गोरखपुर, तो ये भी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और इनका सेटअप देखते हैं और बाकी बर्ड्स की जो है प्रोग्रेस चेक कराते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे आज वीडियो में जो कि अभी तक मेरे नज़र में किसी ने नहीं की है और ये शेष भाई ने कर दिखाया है। तो आइए हम अंदर जो है एंटर होते हैं, फिर बाकी की बातें हम अंदर चल के करते हैं। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि हम अंदर जो है एंटर कर चुके हैं। थोड़ा शोर ज़्यादा है, अगर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो एडजस्ट कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ये काकाटू है जो शेष भाई का, जिसने ब्रीड कर रखी है, और ये बहुत ही अच्छा जो है टॉकिंग भी है, बहुत अच्छी टॉकिंग करता है, बहुत चीज़ें ये बोलता है। फिलहाल अभी बोल रहा था लेकिन वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो ये चुप हो गया है, और फीमेल इसकी अभी अंदर बैठी हुई है। तो इनका जो बच्चा है वो शेष भाई ने हैंड फीड पे उठा लिया था और इन्होंने अभी नीचे रखा हुआ है, तो उसको भी हम अभी आपको दिखाएंगे। और इसकी एक कहानी है कि इसका जो है बच्चा जो हैच शेष भाई ने कराया है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करके कराया है, और इसके अंडे जो इन्होंने फोस्टरिंग जो किए थे वो काकाटील के नीचे किए थे, और काकाटील के नीचे इन्होंटील के जो है अंडे जो है ख़राब हुए, लेकिन इन्हें सेफली इन्होंने एक बच्चा हासिल कर लिया है। तो चलिए अभी वो मैं आपको दिखाऊँगा नीचे बच्चा चल के। और यहाँ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक पेयर गाला का भी इन्होंने लगाया हुआ है, और फीमेल अंदर बैठी हुई है और ये मेल बाहर बैठा हुआ है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे भी इनका सनकनूर है, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी मार्किंग का जो है सनकनूर इन्होंने रखा हुआ है, एक पेयर ये है। और इसके बगल में अगर देखते हैं तो एक पेयर यहाँ पे भी है, बहुत ही अच्छी मार्किंग का ये भी है, आप इसका जो रेड है वो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी एक्टिव पेयर है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ब्रीड करेगा, इसका बच्चा मैंने पहले से बुक कर रखा है निकलने से पहले ही। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ब्रीडर पेयर है इनका, और ये बहुत बच्चे निकालता है माशाल्लाह से। यहाँ देख सकते हैं फिलहाल चार बच्चे इसने निकाले हुए हैं और चारों जो है इन्होंने ऐसे बाहर रख दिए हैं, अमूमन मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं था, लेकिन शेष भाई ने बताया कि इनका जो ये पेयर है ये बच्चों को जो है बाहर ऐसे रख देते हैं तो वो फीड कराता रहता है, और जब तक ये बच्चे बड़े होते हैं तब तक ये दोबारा से लेइंग कर देता है और बच्चों को फीड भी बहुत अच्छे तरीके से कराता है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ये पहली बार मैंने देखी। काकाटील की और बजरी के बच्चे तो हम लोग मटकी या बॉक्स से निकाल देते थे, लेकिन सन के बच्चे हम लोग खुद रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन इनका पेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इनकी केयर करता है। तो आइए चलते हैं इधर काकाटील्स की तरफ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही शानदार क्वालिटी के पैचलेस में पर्ल पाइड रखा हुआ है, ये देख सकते हैं क्वालिटी आप चेक करिए, बहुत ही बढ़िया क्रस्ट है इसका और काफ़ी अच्छे साइज का, और काफ़ी फ्रेश काकाटील है इनकी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक माशाल्लाह से है बटरफ्लाई है, एक जो है अंदर अंडे पे बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं अभी हम और भी इनके पेयर दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पेयर इन्होंने रखा हुआ है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फुल अल्बाइनो का पेयर है और काफ़ी अच्छी जो है इनकी हेल्थ है और बहुत अच्छे से इन्होंने रखा भी हुआ है। बॉक्स वगैरह आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार है, और अभी मैं बताऊं कि बॉक्स वगैरह भी शेषनाथ भाई खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं, ये जितना भी बॉक्स आप देख रहे हैं लगा हुआ है सारा का सारा इन्होंने खुद बनाया है। अभी मैं बॉक्स के बारे में भी अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से बटरफ्लाई का काफ़ी बेहतरीन पीस बैठा हुआ है, बीच में जो आप देख रहे हैं जो बीच वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त पीस है बटरफ्लाई का, और ये सब पर्ल पाइड हैं, स्प्लिट हैं ये भी बटरफ्लाई के, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी मार्किंग, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त पीस है, बिल्कुल देख के मज़ा आ गया। तो अभी इसके बगल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं कि पैचलेस का जो है अल्बाइनो का जो है पल पाइट यहाँ भी पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी मार्किंग का है और बहुत शानदार है। इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो नॉर्मल टिक वाली काकाटील है, लेकिन इसका भी जो कलर है वो लाइट पर्ल में है, और यहाँ देख सकते हैं ये पल पाइट में एक पीस पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर भी इन्होंने देखिए एक
ग्रे पैचलेस का मेल लगाया हुआ है और ये पल्पाइड की जो है फीमेल है। इसकी भी क्वालिटी क्रस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जो है रखा हुआ है इन्होंने। जो भी रखा है इन्होंने बर्ड काफ़ी अच्छे से रखा है और क्वालिटी वाइज बहुत शानदार है। और इस साइड इन्होंने अभी जो लब्बर्ड इन्होंने रखे हैं सारे रेस्ट पे डाले थे, तो अभी ये बॉक्स वगैरह लगाएंगे और फिर इस सीज़न में ब्रीड लेंगे, क्योंकि मौसम अभी ब्रीडिंग के लायक हो चुका है। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रही है वीडियो। अब देखिए, अब आपको विजुअल हो रहा होगा क्योंकि जाली के बाहर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो लब्बर्ड भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन और शानदार लब्बर्ड इन्होंने रखे हैं, बहुत ही अच्छे कलर के हैं। इसमें कुछ पारब्लू के भी पीस पड़े हुए हैं, फिशरी है, तो इस तरीके की इन्होंने रखा हुआ है। अभी ये बता रहे हैं शेज भाई कि अभी अब बॉक्स वगैरह लगाने वाले हैं बहुत जल्द, तो ये भी इन्होंने लब्बर्ड भी रखा हुआ है। तो अब आइए आपको हम कुछ कॉकटेल्स वगैरह की प्रोग्रेस भी चेक कराते चले, क्योंकि अगर सारों की चेक कराते तो लंबी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। वैसे भी मुझे लग रहा है वीडियो 10 मिनट पार होने वाली है, हो सकता हूँ मैं इसको दो पार्ट में कर दूँ। तो आइए यहाँ से चेक करते चलते हैं। ये देख सकते हैं कि ये पहला पेयर जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो हम चेक करा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से पाइड का पेयर है, बहुत ही खूबसूरत पाइड का पेयर है। और इसने माशाल्लाह से देखिए 5 अंडे दिए हुए हैं और सारे के सारे फर्टाइल हैं माशाल्लाह से। तो एक पेयर इनका ये हो गया और यहाँ पे देखिए कि एक पेयर इन्होंने ये रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पाइड इन्होंने रखा हुआ है। और ये अभी सेमी एडल्ट हैं, अभी ये फुल एडल्ट नहीं है, ये सेमी एडल्ट हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी 6-7 महीने बाद इनकी ब्रीड ली जाएगी। उसके बाद देखिए एक पेयर यहाँ पे है इनका, ये भी कॉकटेल का है और इसमें भी देखते हैं अंडे हैं या बच्चे हैं। अभी भी इसने भी लेइंग स्टार्ट कर दी है और ग्रे का मेल है और देखिए लोटिनो की नॉर्मल फीमेल है। इसका क्रस्ट वगैरह साइज बहुत शानदार है, ये भी पेयर बहुत अच्छा है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत पेयर इन्होंने लगाया हुआ है, पल पाइड की फीमेल है और ग्रे का जो है मेल है। इसके भी बॉक्स में चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे हैं, ये काफ़ी बेहतरीन पर्ल का बच्चा निकला हुआ है। टोटल 3 बच्चे हैं, सारे पर्ल पाइड निकल रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेस भी है शेषनाथ भाई की। और इसके नीचे देखिए दोस्तों एक और पेयर है कॉकटेल का, जो उसको भी मैं चेक कराता हूँ कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी बच्चे निकलना स्टार्ट हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत पर्ल पाइड का पेयर है और बस मज़ा आ गया, ज़बरदस्त बिल्कुल क्वालिटी और जिस तरीके के पर्ल पाइड मैं रखना चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए वीडियो के बाद ये बच्चे मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। अभी आइए आगे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से एक पेयर इन्होंने जो है पैचलेस का मेल लगाया हुआ है और टिक वाले की फीमेल लगाई हुई है फॉर्म पर्ल की। इससे क्या होता है कि ब्लड लाइन जो हमारी होती है कॉकटेल की वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और नॉर्मल कॉकटेल जो है आगे चल के आपको पैचलेस अल्बाइनो के भी बच्चे देते हैं क्योंकि वो स्प्लिट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एक पेयर इनका यहाँ है 12 नंबर बॉक्स में, यहाँ पे भी देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने लेइंग कर दी है, 3 अंडे इसने दिए हैं, ये अंडे ताज़ा हैं। और ये पर्ल की फीमेल है और ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का जो है पाइड का मेल है। तो ये भी देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त क्वालिटी का पाइड मेल है इनका। तो दोस्तों ये थी इनकी कॉकटेल की कलेक्शन और कुछ लब्बर्ड भी हैं, तो लब्बर्ड देख सकते हैं यहाँ पे फिशरी है, मतलब पूरा मल्टी सेटअप है शेषनाथ भाई का, सब कुछ रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये पारब्लू है, ये पारब्लू का पीस है। केज के बाहर से बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसने बच्चे देखिए निकाले हुए हैं, ये बच्चे लगभग सेल्फ भी हो गए हैं पारब्लू के, वायलेट पारब्लू बच्चा इसका निकला हुआ है और 2 बच्चे निकले हुए हैं, दोनों सेल्फ के करीब हैं। और कुछ पीस यहाँ भी पड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था किसी वजह से। तो ये दोस्तों पूरा सेटअप है शेषनाथ भाई का और अभी आगे की जो प्लानिंग है वो ये देखिए, वो एक केज तैयार कर रहे हैं बड़ी बर्ड के लिए, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ये बड़ी बर्ड डालने वाले हैं। तो बताइएगा कि आपको सेटअप कैसा लगा, वो देखिए फीमेल भी निकल रही है बाहर। तो इस तरीके का शानदार सेटअप है अपने शेषनाथ भाई का
तो आइए चलते हैं नीचे और इनका जो है मैं आपको दिखाता हूँ, काकाटू का जो ब्रीड आई थी उसका जो बच्चा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बताते चलूँ कि बॉक्स भी बहुत शानदार शेषनाथ भाई खुद बनाते हैं, तो अभी मैं नीचे कुछ आपको बढ़िया बॉक्स भी दिखाने वाला हूँ जो शेषनाथ भाई खुद जो है अपना तैयार कर रहे हैं गाला के लिए। ये बॉक्स चेंज करेंगे, गाला के लिए दूसरा बॉक्स लगाएंगे। तो आइए चलते हैं नीचे, बाकी की चीज़ें मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तो नीचे चलने से पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके का बॉक्स भी शेषनाथ भाई खुद बनाते हैं और सेल भी करते हैं। मैं शेषनाथ भाई का नंबर आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से अगर कुछ परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बॉक्स वगैरह या बनवाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल बॉक्स शेषनाथ भाई खुद अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं अपने गाला काकाटू के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मेहनत करके शेषनाथ भाई ये बॉक्स तैयार कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल बॉक्स ये तैयार कर रहे हैं इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं, अब आपको काकाटू का जो है बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं और ये आप देखिए माशाल्लाह से काकाटू का जो चिक्स है वो काफ़ी बेहतरीन और अच्छी हेल्थ के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि ये शेषनाथ भाई ने डे फर्स्ट से इसको हैंड फीट पे उठाया था जब ये काकाटील के नीचे हैच हुआ था। और काकाटील के नीचे मेरे हिसाब से पहली बार किसी ने अपने जानने में हैच कराया है, तो इन्होंने फर्स्ट डे से हैंड फीडिंग पे इसको उठा लिया था। और फर्स्ट डे से अभी तक इन्होंने इतना बड़ा किया हुआ है, अभी इसको टाइम लगेगा फुल सेल्फ होने में, बड़ा होने में, लेकिन अभी इस साइज़ का है तो अभी भी ये अच्छे से फीट। दोस्तों ये वीडियो जो है शेष भाई ने फर्स्ट डे की बनाई थी जब इनका काकाटू का चिक्स हैच हुआ था। उसके बाद ये देखिए काकाटील के नीचे, इसी काकाटील के नीचे ये हैच हुआ था। तो ये वीडियो मैंने इनसे बोला था कि डे बाय डे ये बनाते रहें, तो वो वीडियो मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, इसलिए मैं ये वीडियो बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि शेष भाई ने फर्स्ट डे से उठाया और किस तरीके से कितनी मेहनत लगी है इसको इतना बड़ा करने में, तो ये भी वीडियो मैंने सोचा आपको ऐड करके दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पिन फेदर आ गया, और ऐसे ही करते करते अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना बड़ा हो चुका है। तो ये वीडियो मुझे पहले ऐड करनी थी लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फीड ले रहा है और बिल्कुल हेल्दी है, और एक ब्रूडर भी हम लोगों ने बनवाया है, वो ब्रूडर इमरजेंसी के लिए बनवाया है। फ़िलहाल अभी ब्रूडर वाला मौसम नहीं है, लेकिन बारिश हो जाती है, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, तो उसके लिए मैंने हम लोगों ने जो है ब्रूडर बनवा दिया है पहले से कि कोई प्रॉब्लम आती तो हम लोग ब्रूडर में डाल सकें। खैर अभी ये फेदर इसके बड़े हो गए हैं, अभी अगर हम इसको गत्ते में भी रख लें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मौसम भी अभी सही चल रहा है। तो अभी मैं आपको ब्रूडर भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये ब्रूडर जो है हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, और शमसुद्दीन भाई ने इसका जो है पूरा काम किया है, शमसुद्दीन भाई ने ही तैयार किया है। और यहाँ देखिए अपने चैनल का नाम भी है शाहरुख बर्ड लवर, तो ये है शमसुद्दीन भाई, इसका कुछ आप फीचर्स बताइए थोड़ा सा। इसका आपको फीचर बताएं, ये आपको 35 डिग्री टेम्परेचर हमेशा अंदर मेंटेन रखेगा, ठीक है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, उससे कोई मतलब, अगर ह्यूमिडिटी कम होता है तो इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फॉग छोड़ना शुरू कर देगा, ह्यूमिडिटी अंदर की मेंटेन हो जाएगी, मेंटेन रखेगा। और आपका इसमें टेम्परेचर हाई होता है तुरंत आपका ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट वाल्व, फुल्ली ऑटोमेटिक है ये, फुल्ली ऑटोमेटिक है, समझिए फुल्ली ऑटोमेटिक है। और इसमें जो येलो लाइट लगी है ये नेचुरल व्हाइट की वजह से ही येलो लाइट लगी है, ताकि बर्ड को आंख में कोई चुभन ना हो जी। और आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं या फिर बनवाना चाहते हैं तो शाहरुख भाई से आप, अरे नहीं यार डायरेक्ट आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप संपर्क करें, आप मार्केट में पता कर लें, उससे कम से कम रेट में बनेगा, और ये आपको 6 मंथ वारंटी के साथ बनेगा, 6 मंथ वारंटी के साथ बन जाएगा। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मेरा ब्रांड है ये, और अच्छी खासी स्पेस बनाई है इसमें, ये बड़ी बर्ड के लिए बनाया था, तो इन्होंने लगभग 2.5 फीट इसकी लेंथ रखी है, और डेप्थ जो इसकी है 1.5 फीट है, और हाइट लगभग मैं जान रहा हूँ कि इसकी 14 से 15 इंच के करीब होगी। तो इसमें अगर आप छोटा चाहें तो छोटा भी बनवा सकते हैं, जैसी आपकी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से।
ठीक है। तो बीच में भी शमसुद्दीन भाई बता रहे थे कि जो कॉकटू का जो बच्चा है उसको बारिश हुई थी तो इसमें टेस्टिंग के लिए रखा गया था जब वो छोटा था, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसने टेम्परेचर मेंटेन रखा और बर्ड बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ा या पर नहीं उसने फुलाया। तो इससे बिल्कुल एक बार इसको टेस्टेड भी कर चुके हैं हम लोग कॉकटू के ऊपर, क्योंकि जब बारिश होती है तभी प्रॉब्लम आती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो बाकी तो फिर आपके नवंबर अक्टूबर नवंबर के बाद से ही ब्रूडर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक